नमस्ते। मॉर्निंग में मैं एक ट्रेड किया था बजाज फिनांस। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो ये क्या हुआ है बोल के। ओके, ये बजाज फाइनेंस था एक्चुअली। अगर हम देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें देखते हैं, ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। ओके, ये ऊपर गया था, ये नीचे आ रहा था। ओके, मतलब अगर हम जिगजैग भी डालते हैं ना इसमें, ऐसा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई, जो ये जब ऊपर गया था ना, हाँ, तो जो लास्ट टूटा हुआ कैंडल था, ये वाला था, जो लास्ट कैंडल हुआ था, इसको लो के नीचे सेलिंग आ जाता है। ये तो डाउन ट्रेंड में था अभी। ओके फाइन, तो इसका कारण है, कल विद वॉल्यूम ये नीचे गिरा था, कल विद वॉल्यूम ये नीचे गिरा था, तो शायद आज जो ब्रेकआउट हो सकता है बोल के, मतलब ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है बोल के मैं बाई किया इसको। ओके, कल का जो लास्ट शॉट है उधर से मैं इसको, कल का जो लास्ट शॉट है ना, ये इधर से मैं इसको बाई कर दिया। ओके, हाँ, बाद में ये फेल हो गया। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता, ये नीचे गिर जाता। ये क्यों हुआ? मैं इधर एक लेवल को मॉनिटर नहीं कर पाया। अगर आप देखते हो ना इधर, अगर आप देखते हो, जब ये स्विंग बना रहा था, ओके, जब इधर से ए से बन के जब ये बना रहा था, अगर आप देखते हो, देयर वाज अ कैंडल हियर। ओके, दिस कैंडल, ये ब्रेक इन साइड कैंडल है। ओके, ये जो 12 दिसंबर का जो कैंडल है, मैं सोचा कि भाई ये लोअर लो किया है, सॉरी लो वोलेटाइल बोल के, इनफैक्ट ये हाइयर आई था। ओके, मैं मुझे ये नहीं दिखा, हाँ, मार्केट में गलती होता। देखो, इसका हाई है 52.7, इसका हाई है 54। ये स्ट्रक्चर हाइयर आई में है, इसका मतलब है ये ब्रेक इनसाइड कैंडल है। इसका जो भी हाई लो एंड इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 12th, अगर हम जाके, अगर हम 12th पे जाके, 12th पे जाके अगर इसका इंपॉर्टेंट कैंडल मार्क करते हैं ना, इसका इंपॉर्टेंट कैंडल अगर मार्क करें, मैं क्लोजिंग भी मार्क कर लेता हूँ, इसका हाई लो मैं बाद में क्लोजिंग। हाँ, तो ये जो लेवल है, ये इसका क्या होता है, दिस बिकम्स द रेजिस्टेंस एरिया। तो ये लेवल मैं मॉनिटर नहीं कर पाया, ये कारण से इसमें स्टॉप लॉस हो गया। नो प्रॉब्लम, जब स्टॉप लॉस गया, कितना जा रहा है, 1000 रुपीज, मतलब जो भी है, मतलब 100 रुपीज के अंदर ही 1000, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ही जाता है। ओके, तो फाइन, ये था। बाद में कॉल लिया था, कॉल में एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला था मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में मैं आपको एक्सप्लेन किया था। मॉर्निंग में क्या है, देखो अभी क्या है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ओके, जैसे ऊपर गया था, अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इधर खत्म हो चुका है, तो ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर इसके नीचे खुलता है ना, अगर ये लेवल को एक्सेप्ट नहीं करता, मान लो हाँ, इसका जो लो है 37.75, हाँ, इसका ओपनिंग उसके ऊपर होता है, इसका मतलब है इधर ये क्या है, दिस इज अ सपोर्ट एरिया, तो इट शुड मूव ऑन। लेकिन मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ एक्चुअली, ये तो अपलेग में शॉर्ट नहीं करना है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मतलब अगर इसमें इसका जो भी कैंडल है ना, अगर हम देखते हैं, जो इसने 1912 मतलब 20 हाई वाला डाल था, बाद में इधर एक लेवल आता है, देखो ये वीकली का क्लोजिंग है। ओके, ये वीकली का क्लोजिंग था। ओके, मुझे मार्केट में ये लेवल पे इसको वीकनेस दिखने लगा, 56 पे, 21,456 पे इसको वीकनेस दिखा। तो जब ये हो गया, मैं मतलब इधर किधर भी शॉर्ट किया था मैंने मार्केट को, 100 क्वांटिटी में इसमें पुट लिया था, पुट भी लिया था 100 क्वांटिटी, किधर था वो, इधर 100 100 रुपीस में मैं इसको खरीदा था। हाँ, 20 रुपीस का स्टॉप लॉस में, 80 रुपीस का स्टॉप लॉस में इसको लगाया था, लेकिन एंड ऑफ द डे 315 पे ही मैं इसको, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसमें कुछ 600 700 लॉस हो गया। तो ये लेवल मूवमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम है, तो नीचे ये नहीं गिर पाया। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक इन द मार्केट, मतलब बाई तो नहीं करना, इंट्राडे पे कर सकता है, इंट्राडे, क्योंकि स्ट्रक्चर हाइयर आई है। इनफैक्ट ये जो लेवल है ना सर, ये जो लेवल है इसको क्या है, मतलब
शॉर्ट साइड में मूवमेंट मिलना चाहिए ना? मैं तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मार्केट में, देखने क्या होता है ओके। वो कारण से मैं वो एक ट्रेड भी किया था, मैं बजाज फंड्स का एक्सप्लेन किया, बाद में रिलायंस में और एक ट्रेड लिया था। रिलायंस में क्या हुआ था, इधर एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वो क्या लेवल है, जब ये टॉप बना था ना मैक्रो में, अगर आप देखते हो इधर कोई सपोर्ट नहीं टूटा था, इधर कोई सपोर्ट अपसाइड में नहीं दिख रहा था, मुझे ये लेवल दिखा कि भाई जब नीचे गिरा था पहली बार विद वॉल्यूम बढ़ा के, अगर वॉल्यूम देखते हो ना जो एक हैंडल है विद वॉल्यूम ये नीचे गिरा था, तो ये लेवल शायद इसके लिए ब्रेक इन साइड लेवल हो सकता है। तो मेरा ये था क्या है, व्हाट इज इट, मतलब देखो इसको हिट करते ही लोअर लो करने लगा, इसको हिट करते ही लोअर लो करने लगा, बाद में अगर आप देखते हो इसको हिट करते ही लो करने लगा, बाद में वॉल्यूम भी बढ़ा दिया था, वॉल्यूम इधर बढ़ा दिया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो जोन है ना, ये जोन से इसका शॉर्टिंग होना चाहिए ओके। कोई कारण से ये हाई अभी नहीं टूटना है, उसके लिए मैं इसको खरीदा था अराउंड दिस लेवल 87 पे मैं इसको खरीदा था, 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में इसको किया था मैंने। उसमें भी सेम चीज़ है, क्योंकि मार्केट ये सब कुछ इसका सेक्टर भी हाई रे कर रहा है, मार्केट भी हाई रे कर रहा है, नीचे नहीं गिर सकता है, एक देखा कि भाई क्या यह गिर सकता है बोल के, मतलब जो भी है ऐसा हुआ है हा? तो ये आज का था, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि भाई अगर लॉस भी होता है ना, दैट शुड बी इन योर कंट्रोल, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होगा, गलत हो गया लेवल्स पता नहीं है, एनालिसिस गलत हो गया तो स्टॉप लॉस होगा, लेकिन जब स्टॉप लॉस होगा ये जो कितना जाता है वो आपका हाथ में होना चाहिए। हाँ तो ये मुझे बताना था, कल मिलेंगे, कल इवनिंग में वीडियो डालता हूँ जो ट्रेड किया कितना प्रॉफिट हुआ क्या है बोल के। हाँ चलो भाई मिलते हैं, टेक केयर।